लपटों में लिपटी ये इमारत वो इमारत है जहां से पाकिस्तान ने कश्मीर पर झूठे प्रोपोगेंडे का खूब प्रचार किया। पत्थरबाजों के पत्थरों को प्रसाद बताने वाला अब खुद आग के गोले निगल रहा है। कश्मीर के हालात पर झूठी खबरें सुनाने वाला ये वही रेडियो पाकिस्तान है जो अब आग में स्वाहा हो गया है। पाकिस्तान में सब जल रहा है, प्रधानमंत्री का घर, सेना की छावनियों में कमांडर्स के घर और दफ्तर, सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां और अब रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग भी। कश्मीर पर जो बोल इस रेडियो स्टेशन ने बोले वो अब खुद पाकिस्तान झेल रहा है। जिस कश्मीर में आजादी के नारे पाकिस्तान लगवाया करता था, आज वही नारे पाकिस्तान में लग रहे हैं। पाकिस्तान अब अपने मुल्क से आजादी मांग रहा है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान से आगजनी और तोड़फोड़ों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। इमरान समर्थक सेना मुख्यालय के अंदर घुसकर हंगामा काट रहे हैं। वहीं आईएसआई दफ्तर पर पत्थर भी फेंके गए। पेशावर में रेडियो स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने इस्लामाबाद, लाहौर समेत पूरे देश में धारा 144 लागू कर दी। इमरान खान के समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर हंगामा काट रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों से कई समर्थकों की मौत की खबरें भी सामने आई। पुलिस की कार्रवाई में कई लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव अब और गहरा रहा है। तस्वीरें लगातार डराने वाली सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इमरान खान को